मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही टेस्टी तीखी चटपटी चाट। फ्रेंड्स, ये चाट बहुत जल्दी बन जाती है और जब भी आपको किचन में कुछ खाना पीना बनाने का मन नहीं कर रहा है और कुछ टेस्टी सा भी खाने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ जल्दी से बन जाए, टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, तो फ्रेंड्स इससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता है। जो भी इसमें चीज़ें मैंने सारी ऐड की हैं वो सारी चीज़ें आपके घर में काफ़ी इजीली मिल जाएंगी। आपको इस चाट को खा के एकदम दिल खुश हो जाएगा, आप मुझे याद करेंगे कि हाँ कुछ चटपटा सा बताया है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए रखेंगे सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर थोड़े से मूँगफली के दाने ले लिए हैं, कच्चे मूँगफली के दाने हैं, तो इनको हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। अब हमें मूंगफलियों को अच्छे से इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करना है जब तक इसका जो ऊपर का छिलका है वो रिमूव ना होने लगे, यानी कि थोड़ा सा ये तड़कने ना लगे, जब तक हम इनको इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मूंगफलियों को रोस्ट कर लिया है। इनको रोस्ट करने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मूंगफलियाँ चटकने लगी हैं और उनका जो छिलका है वो भी इसमें से निकलने लगा है। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल देते हैं। जैसे ही मूंगफली ठंडी हो जाएंगी उनके बाद जो छिलका है वो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। गर्म गर्म में ना निकालें, ठंडा होने के बाद ये अपने आप से रिमूव होने लगेगा। तो हाथों से थोड़ा सा मसलते हुए उनको हम साफ करके रख लेंगे। अब हम फिर से सेम पैन रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं। पैन अभी काफ़ी अच्छे से गर्म है, तो घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 मैगी नूडल्स। कोई भी मैगी ले सकते हैं, आटा वाली या कोई भी मैगी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। मैगी को हम अच्छे से पहले तोड़ लेंगे। तो आपको जितनी बनानी है उतनी आप डाल दीजिए, मैं यहाँ पर 1 ही पैकेट से बना रही हूँ। अब हम मैगी को अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर लेते हैं, यानी घी के साथ मिक्स करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको चलाते हुए अच्छे से गोल्डन कर लेना है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाना चाहिए। तो इसी तरह से हमें इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको भून लिया है। आप देख सकते हैं इनका जो कलर है अच्छे से गोल्डन हो गया है। इसको भूनने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा है, बहुत ही जल्दी से भून जाती हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम ले लेते हैं इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल और जो हमने मैगी बनाई है उसका ये टेस्ट मेकर है। इसमें से हम 5 को कट करके डाल देंगे और 2 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देते हैं ये टमाटो सॉस। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, 1 बारीक कटा हुआ हम इसमें प्याज डाल देंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, 1 बारीक कटा हुआ छोटा सा हम इसमें एक खीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी हम इसमें एक कटी हुई धनिया की पत्तियां डाल देते हैं और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये खट्टी मीठी वाली जो नमकीन आती है वो ले ली है। नमकीन आपके पास कोई भी अवेलेबल है, जैसे कि आपके पास नमकीन सेव है या कोई और भी नमकीन है, चटपटी खट्टी मीठी जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नमकीन नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, ये पूरी तरह से इसमें ऑप्शनल है। अब हमने जो मैगी को अभी फ्राई करके रखा है उसको डाल देंगे और जो हमने अभी मूंगफलियों को रोस्ट करके रखा है उनको मैं इस तरह से देखिए थोड़ा सा मसल के हाथों से इस तरह से इनको साफ कर लिया है, बहुत ही आसानी से साफ हो जाती हैं ये। 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मिर्च हमें साफ से डालनी है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का यूज भी किया है। 1/3 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला से बहुत ही अच्छी चटपटी चाट बनती है और चाट बना रहे हैं तो चाट मसाला तो जरूर डलेगा इसमें। और 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काला नमक। जब भी आप कोई चाट बना रहे हैं उसमें आप काला नमक जरूर डालें, उससे जो चाट होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सिंपल वाला नमक, यानी कि 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सिंपल वाला नमक। टोटल मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक का यूज किया है। नमक आपने टेस्टी अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा ले सकते हैं। और 1/2 मैंने नींबू ले लिया है कट करके, सारे बीजों को इसमें से निकाल दें। अब हम नींबू का इसमें रस निचोड़ देते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
फ्रेंड्स आप एक और इस चाट को जरूर ट्राई करके देखना, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी गर्मी लग रही है और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है तो ये हल्का फुल्का सा चटपटा नाश्ता आप बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए स्पून से, आप इसको थोड़ा सा टॉस भी कर सकते हैं। ये देखिए आप इसका लुक देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है फ्रेंड्स। और मैंने इस पे जो मैगी है ना उसको रोस्ट करके डाला है तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रंचीनेस, थोड़ी सी सॉफ्टनेस, बहुत ही टेस्टी लग रही है ये। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस चाट को ज़रूर ट्राई करके देखना, इसको हम इस तरह से सर्व कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से सारी चाट को एक बाउल में सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं कितनी ही टेम्पटिंग लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स आप एक मैगी के पैकेट में से 3 से 4 लोगों के लिए चाट बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप 4 से 5 लोगों को ये सर्व करके दे सकते हैं और फ्रेंड्स ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।